Good morning, students. In previous lecture, I had told you about the reforms and structures of the UNO. In this lecture, we will discuss about the jurisdiction of the UN. The problem of membership is a serious issue. As the UN completed its 60 years of existence, the heads of all the countries met in September 2005 to celebrate the occasion. एक जो प्रॉब्लम है मेंबरशिप की यूएन के अंदर, ये तो एक सीरियस इशू है ही, उसके साथ साथ क्या है कि ज्यूरिसडिक्शन है जो यूएनओ का, उसको क्या करने के लिए, उसको मतलब इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या है, काफ़ी स्टेप्स बार बार क्या है उठाए गए. कहते कि ऐसे ही कुछ स्टेप्स उठाए गए थे 2005 के अंदर. कहते कि यूएन ने जब अपने 60 ईयर्स क्या किए, कंप्लीट किए, तो उस समय में जो हेड्स थे नेशंस के, वो कहाँ सितंबर 2005 को मिले और उन्होंने एक तो इस सेलिब्रेशन को क्या किया, मतलब जो सेलिब्रेट किया इस ओकेज़न को, और जो एक उस समय की जो सिचुएशन थी उसको क्या किया, डिस्कस किया. तो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए थे कि जो यूएनओ है उसके अंदर क्या किए जाए, कुछ चेंजेस किए जाएं ताकि वो और ज़्यादा क्या बन सके, इफ़ेक्टिव बन सके. वो स्टेप्स क्या थे? फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट ए पीस बिल्डिंग कमीशन. फर्स्ट स्टेप ये है कि एक पीस बिल्डिंग कमीशन को बनाया जाए. अगर देशों के बीच में आपसी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो देश हैं वो आपस में इन प्रॉब्लम्स को नहीं अगर सॉल्व कर पाते हैं, तो एक पीस बिल्डिंग कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो क्या करेगा, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या है, क्या स्टेप्स उठाएगा और एक रोल प्ले करेगा क्या करने के लिए, आपसी कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए. सेकेंड जो स्टेप था वो था, इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड प्ले ए रिस्पॉन्सिबल रोल इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट्स फेल्ड टू प्रोटेक्ट देयर पीपल फ्रॉम एट्रोसिटीज़. अगर किसी देश के अंदर क्या है इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है कि वहाँ के लोगों के ऊपर क्या हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, या वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्या करने के लिए, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए. अगर वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो नहीं हैंडल कर पा रही है सिचुएशन को, लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. थर्ड, टू एस्टेब्लिश ए ह्यूमन राइट काउंसिल्स. कि एक थर्ड क्या पॉइंट था कि एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी. अगर मान लो किसी भी देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, उन मतलब किसी की वायलेशन हो रहा है वहाँ के लोगों के राइट्स का, तो एक काउंसिल बनाई गई थी इसके लिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो क्या करेगी, उन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी. फोर्थ, टू साइन एग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. एक एग्रीमेंट्स जो थे साइन किए गए थे किसको लेकर, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लेकर. इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से थे. फिफ्थ, टू कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशंस. कहते कि हर रूप में जो टेररिज्म है उसकी क्या की गई, निंदा की गई. कि जब न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया गया, उसके बाद जो पूरा वर्ल्ड था उसने इस की क्या की, काफ़ी ज़्यादा इसको कंडेम किया, और ये मतलब एक और राय बनाई गई, सब ने मिलकर ये राय बनाई कि टेररिज्म, चाहे वो लोकल लेवल का टेररिज्म या इंटरनेशनल टेररिज्म है, उसको क्या किया जाएगा, मतलब कंडेम किया जाएगा, उसको ख़त्म करने के लिए क्या उठाए जाएंगे, स्टेप्स उठाए जाएंगे. उसके बाद, टू क्रिएट ए फंड फॉर डेमोक्रेसी. कि अगर किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी क्या नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी को क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन देशों की क्या की जाएगी, हेल्प की जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो उनको क्या है, मतलब फाइनेंशियली भी हेल्प की जाएगी वहाँ के लोकतंत्र को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए. मतलब वहाँ पर क्या है, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने के लिए, या इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने के लिए क्या उठाए जाएंगे, स्टेप्स उठाए जाएंगे. मतलब ये ताकि एक टू क्रिएट ए फंड फॉर डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा क्या किए जाएंगे, स्टेप्स उठाए जाएंगे. सेवन, टू एग्री टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल. कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये ऑर्गन था किसका, हमारे जनरल असेंबली का एक ऑर्गन था, जनरल असेंबली का नहीं, उसका हाँ, यूएनओ का एक ऑर्गन था ट्रस्टीशिप काउंसिल, उसको क्या किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, जो उस समय में बनाई
लगाई गई थी, मैंने आपको बताया था कि 11 कंट्रीज़ क्या थे उस समय में, क्या थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो उनकी हेल्प करने के लिए इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को क्या किया गया था, बनाया गया था। तो अब इसमें यह भी स्टेप उठाया गया कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल उन देशों की हेल्प करने के लिए बनाई गई थी, उस ट्रस्टीशिप काउंसिल को क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ऑल दीज आर कंटेंशियस प्रॉब्लम्स फॉर द यूएन। व्हाट वुड बी द रोल ऑफ ए पीस बिल्डिंग कमीशन? What would be the conflicts it could interfere? Should interfere in each and every conflict? How far was the international community responsible for controlling atrocities? What were human rights and who would develop their violation and the measures to be taken on the violation of human rights? What was the list of Millennium Development Goals? What was terrorism? How was it to be controlled? How would UN use funds to protect and promote democracy? अब ये सारे क्या थे, कंटेंशियस इश्यूज थे कि अगर मान लो इस तरीके के स्टेप्स उठाए गए हैं तो ये वर्किंग कैसे करेंगे, अगर पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया गया है तो वो किस तरीके के, मतलब जो कन्फ्लिक्ट्स हैं अगर वो देशों के बीच में हो रहे हैं वहाँ पर उसको कितना इंटरफेरेंस करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इसको लेकर क्या थे, काफ़ी डाउट्स थे। और क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो एट्रोसिटीज़ हैं उसको कैसे, किस तरीके से कंट्रोल करेगी, मतलब क्या, मतलब स्टेप्स वो उठाएगी, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या था, कन्फ्यूज़न था। ह्यूमन राइट्स क्या थे, मतलब उसको अगर उनका उल्लंघन होता है तो उसको किस तरीके से स्टेप्स उठाए जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए, तो और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे इसको डिसाइड करना भी क्या था, मुश्किल था। देखिए टेररिज्म क्या था, मतलब इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देना क्या था, मुश्किल था। ऑल दीज आर इश्यूज विच बिकम कंटेंशियस एज मोस्ट ऑफ द यूएन मेंबर्स आर स्टिल डेवलपिंग नेशन एंड इज इट अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट सोल्यूशन फ्रॉम देम। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन हैज टू इंक्रीज एंड ओनली टाइम वुड डिटरमाइन हाउ फॉर इट शुड। कहते कि ये सारे इश्यूज जो हैं क्या हैं, कंटेंशियस इश्यूज हैं, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और उनके लिए, मतलब इस इन सभी जो क्वेश्चन अराइज हुए कि पीस बिल्डिंग कमीशन का क्या रोल रहेगा, ये सारा मतलब क्या करना, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना उनके लिए क्या था, मुश्किल था। कहते कि ज्यूरिसडिक्शन के, लेकिन फिर भी ज्यूरिसडिक्शन जो है यूएन का उसके एरिया को क्या करना है, इंक्रीज करना है और ओनली जो टाइम है वो डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके से स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। अब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे, इसमें क्या था कि अगर किसी देश के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी है, हंगर है, वहाँ से उसको क्या किया जाए, हेल्प की जाए उन देशों की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, वहाँ चाइल्ड जो मोर्टेलिटी है उसको ख़त्म, मतलब वहाँ ख़त्म किया जाए, हेल्प की जाए कि जो बच्चे हैं उनकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स किए जाएँ। और क्या था कि अगर किसी देश के अंदर कोई, मतलब वर्ल्ड के अंदर एपिडेमिक आ जाता है तो उसमें एक देश जो है एक दूसरे की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन है यूएन का उसको क्या किया गया था, 2005 के अंदर इसको बनाया गया था, क्या करने के लिए, यूएन को और ज़्यादा क्या बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो इस तरीके के स्टेप्स उठाए गए थे। लेकिन इसको लेकर अभी भी क्या रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट टाइम में अभी क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में क्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। तो अब इन दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, करने के लिए यूएन को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन यूएन भी क्या रहती है, इसमें कंफ्यूज रहती है कि वो किस तरीके के स्टेप्स उठाए कि इन प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए।